प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारा Facebook पेज डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं 5 मार्च से 104 घंटे के लिए शनिदेव मचाएंगे तहलका, यानी 5 मार्च को शाम को 6:29 पर शनिदेव उदय हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, उदय होने के बाद फिर पूरे साल कोई ग्रह उनके साथ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, अकेले राजयोग बना करके बैठेंगे, निष्कलंक निष्पाप। सस नाम का महापुरुष राजयोग कुंभ राशि के अंदर चलेगा। और 104 दिन, मैंने इसलिए लिखा है कि 104 दिन यानी 17 जून को फिर ये बकरी होंगे। और बकरी ग्रह की जो पावर होती है, या तो बढ़ती है और या कम हो जाती है। शुभ स्थानों पर हो तो बढ़ जाती है, पाप स्थानों पर हो तो कम हो जाती है। बकरी ग्रह बुरा भी करता है बुरे स्थानों पर, अच्छे स्थानों पर अच्छा भी करता है। ये एक नया कंसेप्ट है, कई बार मैं आपको जानकारी दे चुका हूं इसकी, लेकिन फिर जरूरत होगी तो जब ये उस समय बकरी होगा तो इसकी जानकारी दूंगा। दूसरा, 100% बलवान भी रहेगा, अपनी राशि के अंदर रहेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और इसकी जानकारी मैंने दी थी कि नवांस कुंडली के अंदर भी इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 8 राशि ऐसी कौन सी है जिन पर ताबड़तोड़ शनि अच्छा फल करेगा, धन की वर्षा करेगा। शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन सूचना, मैं 25 मार्च से 27 मार्च बंबई में रहूंगा, बिलेपाले वेस्ट में। आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए हैं उन पर अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल सकते हैं। और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमने वीडियो लोड कर दिया है। और साथ में मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अब मैं शुरुआत करता हूं, इसमें डिले ना करते हुए, कि वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले के लिए वैसे तो केंद्र के अंदर अभी 22 मार्च तक पार्श्विक योग है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैरियर का स्वामी लाभ स्थान पर बैठा हुआ, लाभ स्थान पर शनि अच्छा फल देगा। यानी जितना उसकी कुंडली के अंदर, मेष की कुंडली के अंदर केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है 22 अप्रैल तक, तब तक तो ये कहीं ना कहीं अच्छा फल देने की कोशिश करेगा। तो शनिदेव 11 भाव में अच्छा फल करता है, वो इसलिए करता है कि गोचर में भी अच्छा फल करता है, लाभ स्थान होता है। तो मेष राशि वाले व्यापार से जबरदस्त लाभ कमा सकते हैं। जिनका व्यापार ट्रांसपोर्ट का है, जिनका व्यापार कोयला खान का है, खदान का है, माइंस का है, ट्रांसपोर्ट का है, रेलवे का है, या जो हवाई जहाज हैं उनका है, पेट्रोकेमिकल्स का है, गैस का है, इन सब चीज़ों से जबरदस्त, या रेलवे जिन्होंने ले रखा है उसमें लाभ मिलेगा, और जो शराब के ठेके उनमें भी लाभ मिलेगा। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मेष राशि वाले जितना कमा सकते हैं कमा लें, यानी यहाँ शनिदेव आपके लिए काफ़ी अच्छा करेगा। वृष राशि वालों के लिए जो जॉब करते हैं उनके जॉब में अच्छे ट्रांसफ़र होना, अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र होना एक योग बनेगा, और वहाँ से भी आपका जो रुतबा है वो लगातार बना रहेगा। सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, रेलवे के अंदर मिल सकती है, खान्स में, माइंस में, इनमें मिल सकती है, ट्रांसपोर्टेशन में मिल सकती है, या जो केमिकल इंडस्ट्री हैं, या जो लीकर इंडस्ट्रीज हैं, या लोहे की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें भी आपको जॉब मिलने का योग बनता है। आप तैयारी करिए, आपको सरकारी नौकरी निश्चित तौर पर बनेगी। आप IAS IPS से या जजेस हैं उनके लिए भी एक अच्छा योग यहाँ पर बनेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी भाग्य स्थान पर बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि, यानी आपका जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें भी अच्छा होने का योग बनेगा। नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाएगा आपका, आपके टांगों में अर्थराइटिक्स बैक पेन की जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें काफ़ी सुधार आने का योग बनेगा। तो ये तीन राशियाँ मेष, वृष, मिथुन, इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा योग बनता है। अब हम कर्क राशि की अगर बात करें तो आपकी आयु वृद्धि का योग बनेगा, स्वास्थ्य में सुधार आपको आएगा। यहाँ पर धन के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए
पत्नी के माध्यम से और पत्नी को पति के माध्यम से विदेश से धन आने के योग बनते हैं। वाणिज्य से धन आने का योग आपको बनता है और पार्टनरशिप में भी आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि स्वयं राशि का शनि है तो एक अच्छी दोस्ती भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएगा। अब हम कन्या राशि की अगर बात करें तो कन्या राशि के अंदर शनि छठे भाव में रहता है और छठे भाव में रोग चोट ऋण इन सब को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कर्जा है तो कर्जा को मुक्त करेगा, मुकदमे चल रहे हैं उससे मुक्ति देगा, परेशानियाँ हैं उन सब से आपको मुक्ति देगा, क्योंकि आपका जो पैसा है इन सब चीज़ों में लगेगा। लेकिन अभी तो मैंने चार ही राशियों की जानकारी दी है कि जिसमें मेष वृष मिथुन और सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है। अब हम बात करेंगे तुला राशि। प्रॉपर्टी से जबरदस्त लाभ, राजनीति से लाभ, लिक्योर इंडस्ट्री से लाभ, एजुकेशन में भी जबरदस्त लाभ। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको जबरदस्त लाभ मिलने का योग बनता है। यहाँ पर आपको भारी हायर एजुकेशन में सफलताएँ मिलेंगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तुला राशि वालों के लिए अच्छा है और जमीन जायदाद से भी आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब वृश्चिक राशि वाले जिनका ब्याज का काम है, जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है, जिनका जमीन जायदाद का काम है, इन सब से भी आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो यहां पर वृश्चिक राशि वाले भी जबरदस्त लाभ कमा सकते हैं, उनके लिए काफी अच्छी पोजीशन शनि यहां पर लेकर के बैठा हुआ है। यहां आप नीलम भी पहन सकते हैं, क्योंकि स्वयं राशि में जमीन जायदाद से बहुत जबरदस्त लाभ देता है। अगर आप बिल्डर हैं या आप कॉलोनाइजर हैं या आप एग्रीकल्चर फार्म हाउसेज हैं आपके, तो उससे भी आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। यानी शनि से संबंधित और जमीन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। या आपके खान हैं, बहुत सारे पत्थर की खाने हैं, जिनकी लोहे की खाने हैं या धातुओं की खान है, या आपके पास IUSCL, BPCL, ONGC इन सब के ठेके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, या सोलर सिस्टम का काम भी आपके पास है, तो इसमें भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग बनेगा। अगली राशि है हमारे पास में धनु राशि। धनु राशि के लिए तीसरे भाव में हैं, तीसरे भाव में गोचर में अच्छा फल करता है। मेहनत करते जाओ, जितनी हार्डवर्क करोगे उतना जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। तीसरे भाव में आपको विदेशों से लाभ मिलता है, दोस्तों के साथ कोई पार्टनरशिप है उससे लाभ मिलेगा। पराक्रम के दम पर जो भी आप काम करोगे, साहस के दम पर अपने आप जो काम करोगे वहां पर भी आपको भारी सफलता मिलने का योग बनेगा। तो यहां आपको मेष वृष मिथुन सिंह तुला वृश्चिक इन राशि वालों के लिए काफी जबरदस्त लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में धन भाव पर है, आपको मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के अंदर कुंभ राशि में धन भाव पर है, अकेला रहेगा तो यहां पैसा आएगा और पैसा जाएगा, क्योंकि अलगाववादी प्लेनेट है तो धन भाव पर पैसे को कम रुकने देता है। तो यहां थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी मकर वालों के लिए, खर्चे आपके ज्यादा होंगे। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि स्वयं शनि की राशि है, यहां पर आपका सस नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है, यहां वृष राशि वालों का बन रहा है, सिंह राशि वालों का बन रहा है, वृश्चिक राशि वालों का और कुंभ राशि वालों का भी यहां पर सस नाम का महापुरुष राजयोग है। जब कोई महापुरुष राजयोग अगर बनता है तो वो पैसा देता है, और ये ध्यान कर लीजिएगा, ये शनि आपको तभी अच्छा फल देगा जब आपका बाई बर्थ स्वय राशि में था, बाई बर्थ उच्च राशि में था, बाई बर्थ मित्र राशि में था, तभी जाकर के आपको ये अच्छे फल दे सकता है। अगर आपका शनि नीच का है, आपका शनि 6-8-12 में, शनि आपका अस्त अवस्था में, शनि आपका वृद्ध अवस्था में, शनि आपका बाल्य अवस्था में, तो उस कंडीशन में जो आप मुझे कमेंट लिखते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, आप ऐसे ही करोड़पति अरबपति बनाते रहे तो हम तो कुछ नहीं मिला, वो आप लोगों को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप ऐसे ही लिखते रहेंगे और आपको मिलेगा भी नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा कि आपकी कुंडली में उतनी पावर नहीं है, यानी शनि तो आपको देना चाहता है लेकिन आपके पास उतनी पावर नहीं है, आपके पास उतनी बड़ी तिजोरी नहीं है कि कहाँ पैसे रखेंगे, आपके पास उतना घर नहीं है कि आप उस पैसे को रखेंगे कहाँ। अब मान लो कोई व्यक्ति झुग्गी में रहता है और उसके पास संदूक में नहीं है तो पैसे को रखेगा कहाँ, तो चोर ले जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि जिन चीज़ों की हम बोलते हैं वो चीज़ें आपकी कुंडली के अंदर बाई बर्थ पावरफुल होनी चाहिए, आपकी आपका भाग्य भी उतना पावरफुल होना चाहिए कि जो शनि आज आपको देना चाहता है और वो उतना दे सके। मीन राशि वालों के लिए खर्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि
बारम भाव से खर्च वापर है, तो यहाँ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ वो खर्चे करा सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट करा सकता है। मित्रों, ये था शनि का चमत्कार, शनि का तहलका। बस मेहनत करते जाइए और ऊपर उठते चले जाइए। समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मैं अब आपसे आत लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे बम्बई में संपर्क करने के लिए मैं आपको बम्बई का पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं।